डालने की हड्डियां सर्वर में, वो कहते हैं तुम रुको, तुम उधर क्यों जा रही हो, तुम मेरे पास हो, समझ रही। अब आपके सिस्टम है, आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट जा रही है बाहर, ठीक है, आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट भर गई वहां से, वो चेक करता है कि एक घंटे में सिस्टम से कितनी रिक्वेस्ट बाहर जा रही है, वो कहते हैं अगर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट बाहर जा रही है तो उसकी कैशियर का दबाव संभाल कर रखा था, कहते हैं नेक्स्ट टाइम इसके सिस्टम से इसी पेज के रिक्वेस्ट के अंदर से दोबारा आउट हुई तो मैं इसको उठा गया इसी तरह, ठीक है। ये क्या है कि सिंगल एग्जिट पॉइंट, ठीक है, इसका मकसद इसी के लिए है, वो सिर्फ उन सिस्टम के कैशे को रखता है पास, जो बहुत ज्यादा क्यूरी जिनकी इनपुट आउटपुट हो गई, उसके बाद दोबारा से कोई नई एंट्रीज आना शुरू हो जाती है तो वो पिछली एंट्री को खत्म करता जाता है। फर्स्ट टाइम नहीं, वो एक दफा चेक करता है, दोनों चेक करता है, तीन से चार दफा सिस्टम की गई है तो उसको सेव रखता है। वो एम बी के मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि उसकी रीजन ये है कि जब ओ एस पी पढ़ा जाता है ना, ठीक है, तो ओ एस पी के अंदर एरियाज को कौन सा डिफरेंट एरियाज में ना रॉबर्स के, ठीक है, उसके अंदर भी स्पॉट के बन जाता है ना, उसके अब तो स्पॉट है ना, वो तो उसका पूरा अप्रिशन है, वैसे उसके अंदर ना एरियाज होते हैं, एरिया जीरो है, एरिया उसके अंदर वन है, स्टब एरियाज है, ठीक है, तो स्टब एरिया का कॉन्सेप्ट भी वही है कि सिंगल एग्जिट पॉइंट, जब बहुत ज्यादा राउटर्स एक जगह पर इकट्ठे हैं, ठीक है, तो सारों ने जो अपने अपने पाथ यूज करने हैं, बात कर रहे थे कि तुम एक ही पाथ यूज करो, अगर तीन राउटर आ रहे हैं तो वो बार बार एक ही लाइन को यूज कर रहे थे, कहते यार तुम उस उधर से जाते हो, तुम्हें सिंगल एग्जिट पॉइंट देते थे तुम इधर से निकलो, ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट इसलिए उन्होंने बनाया। चलिए उसके ऊपर ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है फर्स्ट में जनरल से, सेकंड इन्फॉर्मेशन जो आ रही है कासिम ने क्वेश्चन किया था एसओए, कासिम आपने क्वेश्चन किया था, हाँ, और शाम क्यों है, ठीक है, अलग है आपके पूरे क्वेश्चन आंसर दे वो बाद में जाने के साथ को पूछा था मैं, अच्छा जी एसओए के कॉन्सेप्ट को लिख रहे हैं, एसओए बेसिकली है क्या चीज है,